हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस यानी अवतल और उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी समझी थी। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उसके माध्यम से जो आपके किरण आरेख बनाते हैं उसके रूल्स क्या थे। ठीक है, रूल्स हमने समझ लिए थे। साथ ही साथ हमने दो किरण आरेख पढ़े थे जिसमें हमने बात की थी कि जब वस्तु इंफिनिटी या अनंत दूरी पर हो तो आपकी इमेज कैसी बनेगी। हमने ये जाना था कि हमारी जो इमेज है वो फोकस पर बनेगी, पॉइंट साइज यानी छोटी होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। इसके बाद हमने बात की थी कि जब वस्तु को 2F के पीछे रखा जाता है, उस केस में जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो F और 2F के बीच में प्राप्त होता है। यहाँ प्रतिबिंब भी जो है वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये हमने यहाँ पे देख लिया था। आज हम बात करते हैं उस केस की जिसमें आपके जो वस्तु है वो 2F पर है। मान लीजिए आपकी वस्तु 2F पर है और जैसे कि आप जानते हैं कि वस्तु से अनेक किरणें निकलेंगी। हम यहाँ से दो किरणें मान लेते हैं, एक आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी और लेंस से पास होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरा जो किरण है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और पहली किरण से ए डैश बिंदु पर मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपका जहाँ पे ये मिलेगी वहां पे आपके पास ए का प्रतिबिंब बनेगा। आप इस तरीके से एरो बना देंगे, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो 2F2 पर प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर प्रतिबिंब की बात की जाए तो जो प्रतिबिंब है वो किरणों को वापस आपस में एक दूसरे को मिलने के कारण बन रही है, यानी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा। साइज की बात की जाए तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे। केस थ्री यानी यहाँ पे हम बात करें वस्तु की स्थिति की, तो वस्तु की स्थिति क्या है, पर या 2F1 पर है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति की बात करते हैं, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 2F2 पर। ठीक, प्रतिबिंब के जो है नेचर या प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति की बात करें तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी जो है केस थ्री के बारे में ये इंफॉर्मेशन हो। ठीक, तो आपकी जो वस्तु की स्थिति है वो 2F1 पर है, 2F2 पर आपको इमेज प्राप्त होगी।
फिर है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार का होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है, नोट करेंगे आप। अब हम चलते हैं अगले केस की ओर। तो यहाँ पर जो वस्तु है वो F और 2F के बीच में, यानी F1 और 2F1 के बीच में रखी। अब जैसे कि हमने देखा है कि ये जो वस्तु है इससे अनेक किरणें निकलेंगी, हम सिर्फ दो किरणें लेंगे। एक आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी जो कि फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ठीक है, और ये दोनों एक जगह एक दूसरे को काटे। इसे हमने ए डैश पॉइंट दिया है जो कि वस्तु के ए बिंदु का प्रतिबिंब। अब यहाँ पे आप एरो बनाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या प्राप्त हो गया है, प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है जो कि कैसा है, वास्तविक है, उल्टा। अब प्रतिबिंब की बात की जाए तो प्रतिबिंब 2f के बियॉन्ड है, 2f और इंफिनिटी के बीच। ठीक, और जैसे कि मैंने कहा प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, बड़ा होगा और उल्टा। ठीक, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले वस्तु की स्थिति कहां पे रखा गया है, 2F1 और तथा F1 के बीच। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की स्थिति, कहां पर है, 2F2 के बी पीछे। अब प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति थी वो कैसी होगी, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले केस की ओर। तो अगला केस है ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी जब वस्तु कहाँ पर है, एफ यानी फोकस पर। तो जब वस्तु फोकस पे होगी तो यहाँ पर भी हम एक किरण लेंगे जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर होगी और फिर लेंस से पास होकर फोकस से पास हो जाएगी, दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब ये जो किरण है वो बेहद दूर यानी इंफिनिटी पे एक दूसरे से मिलेंगी जहां पर ये प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो केस 5 क्या है, ऑब्जेक्ट एट अर्थ। ठीक है, यानी आप लिखेंगे वस्तु की स्थिति F1 पर, फिर प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बनेगा, अनंत दूरी पर। प्रतिबिंब की प्रकृति प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए तो कैसा होगा? वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक तौर पर क्या होगा, किरणें एक दूसरे को काटेंगी, बड़ा तथा उल्टा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। यहाँ पर जो आपका वस्तु है, जो आपकी वस्तु है वो कहाँ पे रखी गई है? वो आपकी जो है F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी है, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी गई है। अब यहाँ से भी हम दो किरणें लेंगे, एक आपकी फोकस से पास होगी, दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब आप देख सकते हैं कि दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी इस तरफ तो ये मिलेंगी नहीं, लेकिन हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, पीछे यानी जहां पे वस्तु रखी है उसी तरफ इसे बढ़ाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये 2F के पीछे एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है ए डैश बी डैश जो है वो हमें ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर किरणें वास्तविक तौर पर एक दूसरे से मिल नहीं रही है, यानी हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो पर्दे पर नहीं प्राप्त होगा, बल्कि हमें लेंस के अंदर मिलेगा। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, और यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले वस्तु की स्थिति, F1 तथा O के बीच में दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? 2F1 तथा अनंत दूरी के बीच में अगला है प्रतिबिंब की प्रकृति। कैसी होगी? आभासी, सीधा तथा बड़ा। ठीक, नोट करें। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से जो आप इमेज बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के। पहला, जब वस्तु कहां पर है? इंफिनिटी पर, यानी अनंत दूरी पर। तो यहाँ पर जो इमेज की लोकेशन होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? F2 यानी फोकस पर। इमेज की प्रकृति की बात करें, यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक तथा उल्टा। और इमेज की साइज की बात की जाए तो कैसे बनेगा? डिमिनिश यानी छोटा, पॉइंट साइज का यानी बिंदु के आकार का। अगला है
बियॉन्ड टू एफ वन, यानी टू एफ वन के पीछे। तो यहां पर टू एफ टू और एफ टू के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति की बात करें तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा और छोटा प्रतिबिंब होगा। ठीक, नेक्स्ट है बिटवीन टू एफ वन और एफ वन, यानी टू एफ वन और एफ वन के बीच में प्रतिबिंब जो बनेगा वो टू एफ टू के पीछे बनेगा, वास्तविक होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा, और बड़ा यानी एनलार्ज्ड होगा। ठीक है, नोट कर। अब अगर वस्तु F1 पर है तो इस केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो अनंत दूरी यानी इन्फिनिटी पे बनेगी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा आपका और बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, बेहद बड़ा आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो। नेक्स्ट है, जब आपकी जो वस्तु है वो 2F1 पर है, इस केस पर 2F2 पर आपको इमेज मिलेगी और इमेज कैसी होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, और उसी साइज का होगा जिस साइज की वस्तु है। अगला है F1 और O के बीच में, यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, वो एक उसी साइड में होगा, वस्तु की ही साइड में। ठीक, आभासी और सीधा और एनलार्ज यानी बड़ा प्रतिबिंब आपको, ठीक है, नोट करेंगे फिर। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप किरण आरेख यानी डायग्राम्स कैसे बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कॉनकेव लेंस के केस में आप रे डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।